हंसी खुशी रहा करते थे। एक बार लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण तालाब सूखने लगा व मछलियां मरने लगी। उसी जंगल में एक दुष्ट बगुला भी रहता था, जो बूढ़ा होने के कारण अब मछलियां नहीं पकड़ पाता था। दुष्ट बगुला एक दिन मछलियों से बोला, तालाब सूखता जा रहा है, मुझे तुम्हारी चिंता सता रही है। एक मछली ने पूछा, आजकल तुम तालाब में मछलियां नहीं खाने आते हो, क्या कारण है? प्यारी मछलियों, मैंने मांसाहार छोड़ दिया है, बगुले ने आवाज में शहद सा घोलते हुए जवाब दिया। पानी सूखने के कारण हमारी जान पे बनाई है। एक बड़ी मछली ने अपनी चिंता जताई। मैं तुम सबकी जान बचा सकता हूँ, बगुले ने लालच दिया। तुम्हें पहाड़ के उस पार पानी से भरे तालाब में चले जाना चाहिए। लेकिन मछलियाँ दूसरे तालाब तक कैसे जाएंगी? केकड़े ने बगुले से कहा। बगुले ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मैं रोज कुछ मछलियों को उस तालाब में छोड़ आया करूँगा। अगले ही दिन से बगुले ने मछलियों को ले जाना आरंभ कर दिया। लेकिन दुष्ट बगुला पहाड़ पर जाकर मछलियों को मारकर खा जाया करता था। कुछ दिनों बाद केकड़े ने बगुले से कहा कि वो भी उस पार तालाब पर जाना चाहता है। बगुले ने सोचा कि बहुत दिन हो गए मछलियां खाते खाते, अब केकड़े का मजा लिया जाए। ठीक है, मैं तुम्हें अभी उस तालाब पर ले चलता हूँ, बगुले ने कहा। पहाड़ी पर केकड़े ने मछलियों की हड्डियां यहाँ वहां बिखरी देखी। ये देख केकड़े ने बगुले की गर्दन पर अपने पैने दांत गड़ा दिए। मुझे दर्द हो रहा है केकड़ा भाई, अपनी पकड़ ढीली करो, बगुला दर्द से कराहा। तुमने भूली भाली मछलियों को धोखा दिया है, अब तुम भी जीवित नहीं बचोगे, केकड़े ने कसकर बगुले की गर्दन दबाई तो उसका दम निकल गया। केकड़ा पुनः तालाब पर पहुंचा और मछलियों को बगुले की दुष्टता के बारे में बताया। तो बच्चों, दुष्ट प्रवृत्ति के जीवों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।